Okay, so today we are going to see what is integration testing and what are its types, different types in integration testing. So everybody know what is integration testing. So first there is, if you are working on any requirement, then the separate unit, the separate that requirement, the only component that is a complete unit, right? So that is a unit testing, or we can also say that is a component testing. So suppose if you are working on create account page, so this is a one unit. Suppose this is a one unit because we are doing coding for the same, and after that we will do testing on this. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी यूनिट टेस्ट मतलब क्या है कि हम लोगों को क्रिएट अकाउंट पेज बनाना है, तो इसके लिए डेवलपर लोग कोडिंग करेंगे और इसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे. तो ये एक यूनिट मॉडल है, एक यूनिट है, या फिर इसे हम एक कंपोनेंट बोल सकते हैं. उसके बाद सेव हमने क्रिएट अकाउंट कर लिया, अकाउंट पे मतलब वेबसाइट पे साइन इन कर लिया, इफ यू साइंड इन ऑन द वेबसाइट. Then after sign in, after creating account, we will receive credentials. So using this credential, we can go on login page and we can enter credentials. I'm logged in. To application, right? So this is a again one component or unit, right? This is again a unit or component, we can say. So while developing any requirement, we will do unit testing first, because it's a separate component, right? So create account page is a separate component and sign in page is a different component. So the sign in data means create account page data, that we have created username and we have created password. The same username and password will be used on sign in page, a login page, and then we will able to log into our application. So what is what happening, we are using create account page data to use it on login page, and the say using this same credential we will be logged into our system, right? So kya hota hai, har koi website pe pehle aapko agar access karna hoga, account create karna hoga, to aapko ek create account page pe ya fir sign up page pe sign in karna hoga. उसके बाद में जाके आपको लॉगिन पेज पे वो क्रेडेंशियल्स मिलेगी, आपको वो क्रेडेंशियल्स यूज करके आप लॉगिन कर सकते हो. सो कभी भी यूनिट टेस्टिंग कम्प्लीटली होती है, एक सेपरेट कंपोनेंट पे ऊपर होती है, उसके बाद में दूसरे कंपोनेंट पे होती है, और जब दिस टू कंपोनेंट्स आर टेस्टेड टूगेदर, उसे बोला जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो हेयर वी आर कंबाइनिंग वॉट एवर वी हैव इम्प्लीमेंटेड और कोडेड फॉर साइन अप पेज एंड लॉग इन पेज, राइट? सो वॉट एवर वी हैव डन फॉर साइन अप पेज एंड लॉग इन पेज, सो वी आर यूजिंग साइन अप पेज डेटा. सो वाइल creating account on any website, you will receive username and password. You will select username and password. So that username and password is used on login page. So वो जो sign up page का जो username and password है वो login page के लिए use होगा. मतलब क्या हो रहा है, data share हो रहा है, data use हो रहा है. तो ये जो separate components है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ data share कर रहे हैं. तो जब आपका login हो जाएगा तो आप home page पे आओगे, राइट? सो अगेन होम पेज बिल्ड करने के लिए, होम पेज डेवलप करने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी.
कोडिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद बहुत सारे हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे वेबसाइट पे, समझो ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारी, ठीक है, उसे हमें प्लेट करना है, प्लेस करना है, वी हैव टू प्लेस द ऑर्डर फॉर दिस प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी ऐड करना पड़ेगा, ठीक नहीं। उसके बाद में जो भी आपका का चेकआउट पेज, तो ये सब कंपोनेंट्स बनेंगे तभी जाके आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्लेस होने वाला है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या है कि आपके अगर टू और मोर मॉडल्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर देन वी हैव टू डू टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स वन मीन्स टू चेक द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स देयर इंटरैक्शन एंड द वे सब सिस्टम्स यूनाइट इनटू वन कॉमन सिस्टम एंड कोड कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें क्या है कि आप लोग जब यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब क्या है, एप्लीकेशन कोई भी यूज़ करोगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो एज अ वन कॉमन सिस्टम वो किस तरह से वर्क होना चाहिए, जैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दो या तीन चीज़ें, तो एक कंपोनेंट की वजह से दूसरे कंपोनेंट के ऊपर किसी को इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। वाट एवर देयर एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज दैट शुड बी वर्किंग फाइन, ठीक है। अभी आप देखो आपका क्रिएट अकाउंट हुआ ही नहीं है तो आप साइन इन एंड लॉग इन नहीं कर सकते, आपका लॉग इन नहीं कर सकोगा तो आप होम पेज पे नहीं जा सकते, ठीक है। आप करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, आप लॉग इन पेज के ऊपर हो, आपका करेक्ट इंटर्नशिप मतलब यूनिट आप एंटर कर, यू आर एंटरिंग करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट यू आर नॉट एबल टू लॉग इन टू आवर एप्लीकेशन। सो वी हैव टू चेक वेयर इज अ डिफेक्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा। वो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तभी आप होम पेज पे जाओगे, आप ऑर्डर प्लेस कर पाओगे, ठीक है। तो यही होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो हम मॉडल्स को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि किस तरह से वर्क होने वाला है। इसका एग्जांपल दिया है, व्हेन वी चेक लॉगिन एंड साइन अप फीचर इन अ ई कॉमर्स वेबसाइट वी व्यू देम एज सेपरेट यूनिट्स, यस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि होम पेज है, साइन अप पेज है, लॉगिन पेज है, उसके बाद में ऐड टू कार्ट है, चेकआउट पेज है, उसके बाद में ऑर्डर प्लेस ऑर्डर सेक्शन है, उसके बाद में भी अकाउंट सेक्शन भी आएगा, राइट। सो यू विल चेक द ऑर्डर इज प्लेस्ड और नॉट इन व्हाट व्हिच सेक्शन, ऑर्डर सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, राइट। नो अकाउंट में जाके ऑर्डर सेक्शन, राइट। सो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको कंबाइन करके चेक करना है कि एज अ सिस्टम वो ठीक से वर्क हो रहे क्या। अब इसमें कुछ कंसेप्ट है स्टब एंड ड्राइवर, स्टब और ड्राइवर मतलब क्या है कि मेरा अभी कोई कंपोनेंट बना नहीं होगा, ठीक है। सो मेरा क्रिएट पेज बना है, मेरा लॉगिन पेज बना है, तो मैं होम पेज पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो होम पेज पे आने के बाद मुझे क्या करना है, 100 प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो मुझे 100 प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स नहीं आए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डमी कोड बनाऊँगा जो कि मतलब 10 मॉडल्स के आसपास मैं 10 प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि डमी वर्जन्स रहेंगे टेस्ट करने के, तो उसे बोला जाता है स्टब। और ड्राइवर भी सेम ही होते हैं जो यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ करने के लिए अलग अलग डिफरेंस है, अभी इसके टाइप्स है कुछ, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे बताऊंगा कि स्टब्स क्या होता है और ड्राइवर्स क्या होता है, ठीक है। तो उसके कुछ अप्रोचेस है, स्ट्रैटेजीज है, मेथोडोलॉजीज है ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। आप अप्रोचेस बोल सकते हो कि आप अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग किस लेवल से करोगे, किस तरह से करोगे, ठीक है। सो इसमें अप्रोचेस है टॉप डाउन अप्रोचेस, इसमें अप्रोच है बॉटम्स अप अप्रोच, और इसमें अप्रोच है सैंडविच अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि
इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, नाम सजेस्ट हो रहा है टॉप डाउन, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन एनी रिक्वायरमेंट, सो वी हैव सिक्स रिक्वायरमेंट सपोज, ओके, सो वी हैव सिक्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट, सो वी कैन ट्रीट देम एज मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 5, 6। सो जब हम ये सिक्स मॉड्यूल के ऊपर या सिक्स रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप टू डाउन जाएंगे। अभी देखो, जैसे कि सेम इन मैनर, इन द सेम मैनर, जैसे कि हम लोग साइन इन लॉगिन होम पेज, उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ऐड टू कार्ट, चेकआउट पेज। चेकआउट पेज पे आने के बाद डिफरेंट पेमेंट मेथड्स, दैट इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, पे ऑन डिलीवरी, उसके बाद में ऑर्डर सेक्शन, उसके बाद में अकाउंट सेक्शन, इतने सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ। जो हमारे ये 10 रिक्वायरमेंट्स है, तो जब मैं रिक्वायरमेंट कंप्लीट करूँगा, जब मैं रिक्वायरमेंट, मेरे समझो स्प्रिंट में मेरे काम है 10 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप टू डाउन, टॉप डाउन अप्रोच लेंगे। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो हम लोग जब बनाएंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग में कौन सा मॉडल लेंगे, साइन अप लेंगे, साइन इन लेंगे, उसके बाद में लॉगिन के ऊपर फंक्शनैलिटी वर्क करेंगे। तो हम लोग क्या कैसे रहे हैं एप्लीकेशन को टेस्ट करते हुए या फिर डेवलप करते वक्त, टॉप डाउन अप्रोच ले रहे हैं, राइट, क्योंकि हम टॉप से जा रहे हैं, है कि नहीं। टेस्टिंग करते वक्त भी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते वक्त भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अप के लिए एक कंपोनेंट यूज़ करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद में जब लॉगिन फीचर बनाएगा तो उसको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में जब होम फीचर बने, होम पेज फीचर बनेगा, तो जब ये तीनों मॉडल चेक करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर फर्स्ट यूनिट टेस्टिंग करेंगे। वी विल यूनिट टेस्ट ऑन दिस साइन अप फीचर, देन सेपरेटली वी विल टेस्ट फॉर लॉग्ड इन पेज, राइट। तो जब भी आप टेस्ट करोगे, टेस्ट करते वक्त सबसे पहले आपको यूनिट टेस्टिंग करना है, ओके। तो जब यूनिट टेस्टिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेपरेट यूनिट को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। वी विल आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वी विल डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टू और मोर मॉडल जब कंबाइन होते हैं, तभी जाके आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। अकेले के ऊपर तो आप नहीं कर सकते, सिर्फ साइन अप पेज के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं होगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स वी आर कंबाइनिंग टू और मोर मॉडल एंड वी आर वर्किंग, दे आर गिविंग अस द एक्सपेक्टेड आउटपुट और नॉट। तो जैसे साइन अप पेज है, साइन अप पेज से हम जब डेटा आएगा तो लॉगिन पेज पे यूज होगा, तो लॉगिन पेज से जब हम लोग सक्सेसफुल लॉगिन हो गए तो हम होम पेज पे आएंगे, ओके। तो होम पेज पे आने के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज पे आएंगे, तो कॉन्टैक्ट अस पेज अभी बनेगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने के लिए हमारे पास अगर टाइम नहीं है, अगर हमने उसके ऊपर काम नहीं किया है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक डमी मॉडल बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन होती है उस कंपनी की, ठीक है।
क्या आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन कौन कौन से है उस कंपनी के, ठीक है। उसके बाद में उनका ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है, कस्टमर सर्विस का नंबर क्या है, तो ये सब डिटेल, ठीक है। तो अगर ये सब डिटेल हमें कस्टमर ने दिए नहीं है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे डमी कोड बनाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये एप्लीकेशन किस तरह से दिखेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे डमी कोड बना देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स पेज है, जैसे मैंने बोला था 100 प्रोडक्ट्स रहेंगे, 100 प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं रहेंगे, और हम लोग टेस्ट करते हैं 100 प्रोडक्ट के साथ टेस्ट करेंगे क्या, नहीं। हम लोग किसके साथ चेक करेंगे, हम लोग ऐसे कुछ डमी कोड्स बनाएंगे, हम लोग ऐसे कुछ डमी पेजेस बनाएंगे जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर दिया होगा कि उस प्रोडक्ट पेज कैसा दिखना चाहिए, और उस 10 प्रोडक्ट को ही हम लोग ऐड करके प्लेस करने का ट्राई करेंगे। तो जब हमें एक्चुअल डेटा मिलेगा डेवलपर के तरफ से 100 प्रोडक्ट के लिए, तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो कुछ भी डमी ये किया जाता है टेस्ट करने के लिए, उसे बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच में स्टब। स्टब मीन्स व्हाट, इट्स अ डमी कोड रिटर्न टू टेस्ट द एप्लीकेशन। तो स्टब क्या है, मॉड्यूल अंडर टेस्ट, ठीक है। हमें ये मॉड्यूल तो टेस्ट करना है, हमें 100 प्रोडक्ट्स टेस्ट करने हैं, लेकिन हमारे पास अभी डेटा नहीं है उनको टेस्ट करने के लिए। हम क्या करेंगे, हम एक डमी मॉड्यूल बनाएंगे। सो इसमें हम लोग 10 प्रोडक्ट के लिए, 100 प्रोडक्ट के लिए हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम लोग इसमें से 10 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, 10 प्रोडक्ट की पेज बनाएंगे, उसे ऐड करेंगे, उसका कुछ एम्प्टी डेटा, मतलब उसका जो डेटा रहेगा वो कम्प्लीटली डेटा नहीं रहेगा, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट प्लेस करना होगा एक, ठीक है। जैसे आपको अमेजोन वेबसाइट पे कोई लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो है इसका एक ये बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, इस पेज प्रोडक्ट पेज इस तरह से दिखने चाहिए। तो हमें हमारे पास ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक डमी रिकॉर्ड बनाएंगे जिसमें एक प्रोडक्ट का नाम रहेगा, उसका कुछ प्राइस रहेगा, उसके लिए ऐड टू कार्ट बाय नाउ फीचर बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनाने के बाद हम लोग इसके साथ टेस्ट करेंगे। अभी ये जो 10 डिफरेंट हमने जो डमी क्रिएट किया है उसे हम स्टब बोलेंगे, और इसके ऊपर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्टब, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स पेज नहीं बनाया होगा, तो हम लोग उसे डमी वर्जन बनाएंगे, उसके लिए डमी कोड बनाएंगे। तो मतलब क्या रहेगा कि हमें उसे टेस्ट करने में सिंपल जाएगा, क्योंकि देखो हमें यूज़ क्या करना है, अगर ऑर्डर मुझे प्लेस करना होगा, कोई भी ऑर्डर मुझे प्लेस करना, तो मुझे प्रोडक्ट लगेंगे, प्रोडक्ट मिलने के बाद ही मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ, ऐड टू कार्ट करने के बाद ही मैं चेकआउट पेज पे जा सकता हूँ, राइट, ठीक है। नहीं यस सर, इसकी कोई डिपेंडेंसी है क्या हमारे पास कॉन्टैक्ट अस सर अबाउट अस पेज की? नो। तो इसके लिए हम लोग ने बाद में डेवलपमेंट किया तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ऐड टू कार्ट इज अ मस्ट फंक्शनलिटी, और हमारे पास इसके पास प्रोडक्ट नहीं है 100 प्रोडक्ट, तो हम लोग उस टाइम पे 10 ऐसे डमी प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे यूज करके हम लोग आगे वाले मॉडल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि चेकआउट पेज, ठीक है, चेकआउट पेज पे आ गया। फिर चेकआउट पेज के आने के बाद मुझे पास डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट ऑन डिलीवरी है। तो अगर मेरा सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर डेबिट कार्ड के लिए फंक्शनलिटी बना है, और मैं नेट बैंकिंग और UPI नहीं यूज़ किया है, तो उस टाइम पे सिर्फ मैं डमी मॉडल बना के रखूँगा कि ये हमारा मॉडल इस तरह से दिखने वाला है। तो जब एक्चुअल में डेवलपमेंट हो जाएगा, और एक्चुअल में मेरे पास जब डिटेल्स रहेंगे, तब जाके मैं UPI पेमेंट्स कर सकता हूँ, ठीक है, पे ऑन डिलीवरी कर सकता हूँ। अभी पे ऑन डिलीवरी तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि आपको है ना सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, तो पे ऑन डिलीवरी प्लेस हो जाएगा। लेकिन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बैंक की तरफ से रिटर्न आता है ना, ठीक है।
मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, यस सर, उसके डमी मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं, तो उसे बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच में स्टब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें पता है क्या, एक्चुअली में जब एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो हम लोग टेस्ट कहाँ से कर रहे हैं, साइन इन पेज, लॉग इन पेज, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ऐड टू कार्ट, हम लोग टॉप टू डाउन जा रहे हैं। ठीक नहीं, तो समझो पहले 2 दिन में या फिर फर्स्ट डे में हमारा इसका टेस्टिंग हो गया, हमारे पास 3 ही डेज है, 2nd डे में हमारा इसका टेस्टिंग हो गया, हमने इंटीग्रेट करके 2nd डे को इसका इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लिया, 3rd डे को हमने होम पेज बना के इसका भी टेस्टिंग कर लिया, 4th डे में हमने कॉन्टैक्टस पेज बनाया, 5th डे में हमने ये वाला ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी हमने 6th डे पे बनाया, 6th डे पे बनाया और हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया। अभी देखो हमारे पास 10 ही डेज है, तो 10 डेज के अंदर हमें ये सब रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने हैं, तो हो सकता है कि हमें इतना सारा डेवलपमेंट करने के बाद टेस्टिंग के लिए टाइम 8th या 9th या 10th डे नहीं मिल सकता है ना। ठीक है, नहीं हम लोग जो टेस्टिंग करने वाले हैं वो टेस्टिंग करने वाले हैं स्प्रिंट के हिसाब से 10 डेज में, क्योंकि एक स्प्रिंट का समझो हमारा ड्यूरेशन है 2 वीक्स, 2 वीक 2 वीक्स में हमारे पास 10 डेज है वर्किंग डेज, और 10 डेज में हमें ये सब टेस्ट करना है, तो नो प्रॉब्लम जो है कि हम साइन अप पेज करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा 6 डे के पहले। लेकिन जैसे ही समझो स्प्रिंट ख़त्म होने वाला है तो 7th डे, 8th या 9th या 10th, 10th मतलब क्या है, एकदम लास्ट वाला डे है ना, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सारे रिव्यू मीटिंग्स है, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स है, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए टाइम मिल सकता है क्या, ऑर्डर और कुछ अकाउंट सेक्शन के लिए, नहीं उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा राइट, एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि ये जल्दी रिक्वायरमेंट कम्प्लीट हुए है और इसके ऊपर हमने जल्दी टेस्टिंग किया है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हमें लिमिटेड टाइम में ही वो टेस्टिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। है कि नहीं, यस ना, यस सर, तो इसमें क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच में कि हम लोग जब टॉप टू डाउन जा रहे हैं तो टेस्टिंग भी तो हम टॉप टू डाउन ही जा रहे हैं राइट, तो इसमें क्या होता है हायर लेवल मॉड्यूल्स जो हमें है उसे हम पहले टेस्ट करते हैं, जो लोअर मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो हम सिर्फ उसको इतना ज़्यादा डीप में लेवल में टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो यही है इसका ड्रॉबैक। ठीक है, नीड मोर स्टब्स, क्योंकि हमें अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं है जैसे प्रोडक्ट पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, अगर डिटेल नहीं रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट उसे डमी कोड बना के रख देंगे एक फॉर्मेट में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टब्स यूज़ होंगे यहाँ पे, इसमें क्या है कि लोअर लेवल के जो मॉडल्स है उसे हम इतना डीपली नहीं टेस्ट कर सकते जितना हमने फर्स्ट वाले रिक्वायरमेंट के टाइम पे किया था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम था 6-7 डेज पहले। ठीक है नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट टीम ने अकाउंट सेक्शन और ऑर्डर सेक्शन ठीक से बनाया नहीं है। ठीक है नहीं, तो टेस्टिंग करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो टेस्टिंग करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा या फिर डिफेक्ट ज़्यादा लॉक करेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा राइट, तो ये है इसका ड्रॉबैक कि हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे डिटेल के लिए अगर हमारे पास नहीं रहेगा, और लोअर लेवल का जो मॉडल्स रहेंगे उन्हें हम ज़्यादा डीप में टेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था, तो फिर ये हो गया इसके डिसएडवांटेज, तो आइए क्या है एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस क्या है कि हमारे पास फॉल्ट लोकलाइजेशन यह है जल्दी निकल सकता है हमारा। ठीक है, हमारा एक प्रोटोटाइप भी जल्दी बनेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग है टॉप टू डाउन जा रहे हैं तो हमें एक्चुअली हमारे सिस्टम पता है हम किस तरह से एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, ओके, एक स्प्रिंट में किस तरह से वर्क होगा, तो जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन बनेगा, जैसे जैसे अब डेवलपमेंट हो जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को क्लियर आइडिया हो जाएगी और हम लोग इसमें फॉल्ट निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे अच्छी टेस्टिंग किन मॉडल्स की हो सकती है अगर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो, अगर हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम कौन से इसके लिए है, जो भी सबसे पहले डेवलप करेंगे बोला है,
यस सर। जब सबसे लास्ट करेंगे उनके पास हमारे ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें सिर्फ कोर फंक्शनलिटी देखेंगे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन दिस मॉडल, दैट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है? नहीं, हम लोग ज्यादा डीप लेवल टेस्टिंग करेंगे क्या उसमें? नहीं। सो दैट्स वाई यहाँ बोला गया है कि पॉसिबिलिटी हमें क्या करता, पॉसिबिलिटी क्या होती है हमें कि अर्ली प्रोटोटाइप मिलता है कि एप्लीकेशन किस तरह से यूज कर सकते हैं, और हमें फॉल्ट लोकलाइजेशन इजी है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन रहेंगे उसमें क्या होता है कि हम फॉल्ट देख सकते हैं जल्दी, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ से गलत हो रहा है या फिर कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है, तो ठीक है। और क्या होता है इसमें, क्रिटिकल मॉडल्स आर टेस्टेड ऑन प्रायोरिटी, मेजर डिजाइन फ्लोज कुड बी फाउंड फिक्स फर्स्ट। तो इसमें क्या है, हम लोग अलग अलग जा रहे हैं, टॉप टू डाउन जा रहे हैं, तो हम लोग इसके ऊपर प्रायोरिटी देख के रखेंगे हम लोग, कि सबसे पहले साइन अप पेज है, लॉगिन है, होम पेज है। अभी हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और होम पेज, हाँ कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पेज, ठीक है, इस दोनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्या टेस्टिंग के लिए? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग स्टब्स यूज़ करके इसे बाद में टेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट किसी पे अगली चीज़ पे होने वाला है क्या, जैसे कि ऐड टू कार्ट का जो होने वाला है फीचर, उसका इम्पैक्ट जो है चेकआउट पेज के ऊपर है कि नहीं? यस तो उस तरह से ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऐड टू कार्ट किया हुआ प्रोडक्ट हमारा चेकआउट पेज पे आएगा, चेकआउट पेज पे कुछ ऑफर्स रहेंगे, कूपन रहेंगे, वो ऑर्डर करेंगे या फिर कुछ चेक करना है तो वो फिर चेकआउट पेज पे आने के बाद वो अमाउंट उतना डिडक्ट होना चाहिए। जैसे कि 500 का प्रोडक्ट है उसमें 10% ऑफ है, तो 50 रुपीज़ चेकआउट पेज पे माइनस दिखाना चाहिए क्योंकि हमने कूपन ऐड किया है। तो ये सब फीचर्स, ये जो है, अगर मैंने दो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं तो दो प्रोडक्ट का कैलकुलेशन आना चाहिए, राइट? तो ये सब मैटर करता है कि हमारा क्या किया है। तो इस तरह से हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करते हैं टेस्ट, ठीक है? इसका ड्रॉबैक क्या है कि ड्रॉबैक यही है कि जो सबसे नीचे प्रोडक्ट, मतलब ये रहेंगे जो सबसे डेवलपमेंट जिसका लास्ट में होगा, उसको हमें टेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जो इसका ड्रॉबैक है, जैसे कि फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट मॉडल जो है इसके ऊपर, फर्स्ट मॉडल के बाद हमने मॉडल 2 और मॉडल 3 के ऊपर काम किया है, तो उसके बाद में मॉडल 4 है, मॉडल 5 है, मॉडल 6 है। अभी 3 का सब सिस्टम में या फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद, और ये चेकआउट पेज जो है ये इसके लिए है, ठीक है? होम पेज के बाद अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज है ये, ठीक है? तो इसका रिलेशन होम पेज के साथ है और इसका रिलेशन ऑर्डर ऐड टू कार्ट का चेकआउट पेज के साथ। तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है और इसके ऊपर ये इसका सब सिस्टम है, ऐसा बोल सकते हैं। पैरेंट मतलब मॉडल 2 के अंदर दो मॉडल्स हैं जो ज़्यादा तक उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? मॉडल 4 और मॉडल 5, और मॉडल 3 का एक सब मॉडल है जो इंटरेक्ट कर रहा है मॉडल 3 के साथ, जो है मॉडल 6। और ये सब मॉडल्स किसके, ये है पार्ट है मॉडल 1 के। तो इस तरह से टॉप डाउन अप्रोच होते हैं। वे फर्स्ट इसमें हमने देखा था जैसे कि इसमें एडवांटेजेस क्या था कि हम लोग टॉप टू डाउन जा रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा जो सबसे पहले डेवलपमेंट होने वाले हैं। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट होने के बाद, ठीक है, हम लोग जैसे कि 6 डेवलपमेंट हुए हैं तो हम लोग टेस्टिंग करते हैं बॉटम अप अप्रोच यूज़ करेंगे, मतलब जिसका सबसे कम टाइम मिला था टेस्टिंग के लिए उन्हीं को लेके हम लोग टेस्ट करेंगे, सबसे पहले। मतलब देखो अभी हमारा बना था, सबसे पहले कौन सा बना था ऑर्डर, साइन इन, लॉग इन, होम पेज, कॉन्टैक्टर्स, ये वो बने थे, तो हमारे पास सफिशियंट टाइम था, तो इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छे से हुई है। लेकिन जब 8th, 9th या 10th आप जब रिक्वायरमेंट देखोगे तो ये बहुत लास्ट के टाइम में डेवलप हुई थी, तो उन्हें टेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। तो जस्ट बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो हम लोग एक नया अप्रोच यूज़ करते हैं, बॉटम्स अप अप्रोच। तो यहाँ में क्या होता है, इसमें हम लोअर लेवल के जो मॉडल्स है जैसे कि 6, 4, 5 और 4, इनको सबसे पहले टेस्ट करते हैं, इन डिटेल चेक करते हैं, और उसके बाद में जैसे इनका टेस्टिंग हो जाएगा हम लोग ऊपर आते हैं। जैसे कि मॉडल 6 पहले टेस्ट होगा, फिर 5, फिर 4, 2, 3 और बाद में 1। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक हम सब मॉडल टेस्ट नहीं कर सकते, कर लेते हैं, ठीक है? तो जब इनका अभी मॉडल 6 कंटिन्यू किया, उसका टेस्ट किया, ठीक है, मॉडल 5 टेस्ट किया, फिर 4 टेस्ट किया, इनको इंटरेक्ट करने के बाद हमने पास बाद में ये टेस्ट किया, उसके बाद में इंटरेक्ट किया। जैसे कि 4 और 5 डिपेंडेंट है 2 पे,
तो इनको इंडिविजुअली टेस्ट किया पहले, इंडिविजुअल टेस्ट करने के बाद हम लोग जब इसको बाद में फिर इंटीग्रेट करके मॉडल टू के साथ टेस्ट करेंगे। सो दैट इज़ अ बॉटम अप्रोच। तो इसमें भी फॉल्ट लोकलाइजेशन ईजी है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम हम लोग टेस्टिंग देंगे, जैसे मतलब डेवलपमेंट बना होगा, ठीक है। सो नो टाइम इज़ वेस्टेड वेटिंग फॉर ऑल मॉडल्स टू डेवलप। तो जो भी बना होगा इनमें से, तो उनको सेपरेटली टेस्ट करेंगे और उनको फिर इंटरेक्ट करके बॉटम सब अप्रोच करेंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्रिटिकल मॉडल्स आर द टॉप ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन आर टेस्टेड लास्ट एंड मे बी प्रॉन टू डिफेक्ट एंड ईजी प्रोटोटाइप इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नहीं, अभी हम लोग जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट करने के बाद अगर टेस्टिंग करते वक्त हम लोग लिस्ट मतलब क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में यूज है ये बना रहा है। जब भी सिस्टम डिज़ाइन होता है ना, तो डिज़ाइन होता है इसके हिसाब से, टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से। पहले साइन इन, लॉग इन, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, ऐड टू कार्ट, चेकआउट पेज, बाद में फिर अकाउंट और ऑर्डर सेक्शन। अगर हम लोग इससे टेस्ट करेंगे तो इसका एक अप्रोच है, टेस्ट करते वक्त टॉप डाउन जाएंगे तो हमें सिस्टम जैसा आएगा, तो उसका जैसा प्रोटोटाइप रहेगा। प्रोटोटाइप मतलब क्या, एक हमें आइडिया आ जाता है कि ये एप्लीकेशन किस तरह से बन रहा है या फिर किस तरह से दिखने वाला है डेवलप होने के बाद, राइट। सो दैट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप में क्या है कि प्रोटोटाइप नहीं मिलेगा आपको। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, अगर सबका टेस्टिंग मतलब सबका डेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद में आप लगभग बॉटम सब अप्रोच कर रहे हो, सो आपको प्रोटोटाइप पहले ही से मिला होगा, क्योंकि आपने डेवलपमेंट इस तरह से किया है और टेस्टिंग इस तरह से कर रहे हो, बॉटम सब में कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, समझ लो टेस्टिंग है, ठीक है। हम लोग जो एप्लीकेशन टेस्ट करने वाले हैं, वी आर टेस्टिंग द एप्लीकेशन, मतलब डेवलपमेंट सबका बना होगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड फॉर 6 मॉडल्स एंड वी आर टेस्टिंग दिस मॉडल बाय बॉटम्स अप अप्रोच। वी कैन टेस्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच, राइट। सो आफ्टर द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विल हैपन, we will test first module which will be logged in, sign up and home page. But in bottoms up approach we will test the module which was implemented last, okay. So if you are testing for bottoms up approach, then we will get more defects because we are focusing on bottoms up approach. Then we will test for order section, okay, we will take for account section. तो इससे क्या होगा, हमें बहुत सारे डिफेक्ट्स, बहुत सारा डीप लेवल टेस्टिंग करना पड़ेगा, करने मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा इसके ऊपर। अगर हमने टॉप बॉटम अप्रोच को एक्चुअली पहले इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद में हम अगर बॉटम सब अप्रोच करेंगे, तो हमने जो है यहाँ पे सिर्फ टेस्ट किया था सिंपली, यहाँ पे डीप लेवल टेस्टिंग नहीं की थी। तो बॉटम अप अप्रोच में हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और जो भी छोटे छोटे एरर रहेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ कोर फंक्शनैलिटी चेक करने वाले थे, जब हम टॉप डाउन अप्रोच, टॉप बॉटम अप्रोच यूज करने वाले थे, टॉप डाउन बोलेंगे सर। और जब हम बॉटम सब अप्रोच यूज करेंगे, तो अब इस टाइम पे डीप लेवल टेस्टिंग मतलब क्या कि इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, बॉटम सब में, क्योंकि हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, ऑर्डर जो ये 10 वाला है ऑर्डर सेक्शन, यहीं से टेस्ट करेंगे, जैसे कि हमने साइन अप पेज के लिए किया था, क्योंकि ये सबसे पहले बना था तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम मिला था, तो उसके हिसाब से हम अप्रोच करेंगे। और उसके बाद थर्ड होता है, ठीक है, अर्ली प्रोटोटाइप डिवाइड मतलब डिसाइड नहीं होगा, और हम क्रिटिकल मॉडल जो होते हैं जो सबसे पहले बनने चाहिए उसको हम लोग नहीं यूज़ करते। तो थर्ड आएगा सैंडविच अप्रोच। तो सैंडविच अप्रोच में क्या होता है, आप कौन से भी लेवल के टेस्टिंग को मतलब किसको भी कर सकते हो, टॉप डाउन भी जा सकते हो और बॉटम्स अप भी आ सकते हो। तो ये टेस्टिंग करने के लिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए अप्रोचेस है।
तो इसमें से कौन सा भी अप्रोच आप यूज कर सकते हो. यू कैन गो फॉर टॉप डाउन अप्रोच, यू कैन गो फॉर बॉटम्स अप अप्रोच, यू कैन गो फॉर हाइब्रिड. सो दिस इज अ सैंडविच अप्रोच. सैंडविच अप्रोच इज अ स्ट्रैटेजी इन विच टॉप लेवल मॉडल्स आर टेस्टेड विद लोअर लेवल मॉडल्स एट द सेम टाइम. लोअर मॉडल्स आर इंटीग्रेटेड विद द टॉप मॉडल एंड टेस्टेड एज अ सिस्टम. सो एज अ सिस्टम चेक करना है तो हम लोग अगर टॉप टू डाउन जाएंगे सो दैट इज अ टॉप टू डाउन अप्रोच, बॉटम्स अप जाएंगे तो बॉटम्स अप अप्रोच, और अगर हम लोग अगर टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप जाएंगे तो ऐसा अगर लेवल में हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो उसे बोला जाता है सैंडविच अप्रोच. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच. देयर इज इट कॉल्ड एज हाइब्रिड और सैंडविच अप्रोच. इट मेक बोथ यूज ऑफ स्टब्स एंड ड्राइवर्स. तो स्टब्स कहाँ पे यूज होते थे टॉप डाउन अप्रोच में, और ड्राइवर्स कहाँ पे यूज होते थे बॉटम्स अप. तो अगर हाइब्रिड मतलब क्या है कि हम लोग टॉप टू डाउन भी जा सकते हैं और बॉटम टू अप भी जा सकते हैं. सो दिस इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने वक्त हमारा एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया क्या हो सकता है या फिर क्या होना चाहिए. सो एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया आर लाइक, एंट्री क्राइटेरिया होता है कि हर एक की यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए. अगर हमारे पास 10 मॉडल्स है तो 10 मॉडल के ऊपर यूनिट टेस्टिंग होनी चाहिए. उसके बाद में उनका इंटीग्रेशन करके हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे. हाई प्रायोरिटाइज बग्स फिक्स होने चाहिए और क्लोज होने चाहिए. जैसे हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे तो हमें हाई प्रायोरिटी वाले बग मिलेंगे. जब तक हमारा, अगर समझो हम 3 फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हैं, साइन इन, लॉग इन एंड होम पेज. अगर मेरा लॉग इन ही नहीं हो पा रहा है तो होम पेज टेस्ट कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ हाई प्रायोरिटी बग. अगर मेरा लॉग इन ही नहीं हो रहा है अकाउंट में तो मैं होम पेज पे नहीं जा सकता, मैं ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है. नहीं तो सबसे पहले फिर वो हाई प्रायोरिटी बग्स क्लोज होने चाहिए, फिक्स एंड क्लोज मार्क होने चाहिए. ऑल मॉडल टू बी कोड कंप्लीटेड एंड इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली. सबका कोडिंग कंप्लीट होना चाहिए और सबको इंटीग्रेट करते होना चाहिए. जैसा कि यहाँ पे देखोगे आप, साइन अप, लॉग इन, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट पेज. अभी कॉन्टैक्ट अस पेज और अबाउट अस पेज बना ही नहीं है, ठीक है. इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया है. स्टब मतलब जो आपका बेसिक जो है डमी वर्जन भी है, डमी कोड भी नहीं बनाया है, तो हम लोग नहीं टेस्ट कर सकते. तो यही बोल रहा है कि आवर मॉडल्स टू बी कोड कंप्लीटेड एंड इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली. अगर इंटीग्रेट ही नहीं किया है, कोडिंग नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग उसे इंटीग्रेट करके टेस्ट नहीं कर सकते. इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान टेस्ट के साथ सिनारियो टू बी साइंड ऑफ एंड डॉक्यूमेंटेड. अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें करनी है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के कुछ प्लान रहेगा, उसके लिए कुछ हम लोग टेस्ट केसेस बनाएंगे, टेस्ट सिनारियो बनेंगे, उसको सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग एनी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग का प्लान क्या है, हम किस तरह से प्लान करने वाले हैं. अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने वक्त हमारे पास, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम शुरू करने वाले लेकिन टेस्ट केसेस नहीं है, टेस्ट केस डिजाइनिंग सिनारियोज नहीं है हमारे पास, तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब नॉर्मली चेक कर सकते हैं विदाउट टेस्ट केसेस, बट ये मैंडेटरी होता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए. और टेस्ट एनवायरनमेंट टू बी सेटअप फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग. अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं तो टेस्ट करने के लिए हम कहाँ पे करते हैं कि टेस्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग करते हैं डेव एनवायरनमेंट, राइट. सो डेव एनवायरनमेंट रेडी होना चाहिए. उसमें जो बिल्ड है जिसमें हम लोग जितने भी मॉडल्स चेक करने वाले हैं, जैसे कि ये मॉडल्स है इतने, तो अगर इतने मॉडल्स हम लोग चेक करने वाले हैं तो इतने का डेवलपमेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट होने के बाद ही हम लोग इसे टेस्ट करेंगे, राइट. तो इसे यही बोला गया कि रिक्वायर्ड टेस्ट एनवायरनमेंट टू बी सेट अप फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग. और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि जैसे हमें, एग्जिट क्राइटेरिया मतलब क्या है, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ओके. एंड एग्जिट क्राइटेरिया मतलब क्या है कि एग्जिट कब करना है हमें. तो एग्जिट कब करेंगे, जब सक्सेसफुली इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारा हो जाएगा, जब हमारे सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे और हमें उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए, कितने हाई प्रायोरिटीज बग मिले थे टेस्टिंग करते वक्त.
और कितने फेल हुए, कितने क्लोज हुए, ठीक है। तो इन सब का एक ये होता है। और टेस्टिंग जैसे हम करते हैं, तो टेस्टिंग करने के बाद हमें जब एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है, तो टेस्टिंग हो गई हम लोग कब बोल सकते हैं, तो हम लोग टेस्टिंग हो गई तब बोल सकते हैं जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन रहेगा और एप्लीकेशन का हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूशन किया है, टेस्टिंग की है, तो हमारे पास कुछ टेस्ट केसेस रहेंगे, ठीक है, तो उसे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कुछ डिफेक्ट्स मिलेंगे, वो डिफेक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितने भी हाई प्रायोरिटी बग्स है उन्हें क्लोज होना चाहिए। अभी समझो कि आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हाई प्रायोरिटी पे आता है क्या? नहीं आता, राइट। तो इसके लिए हाई प्रायोरिटी बग्स बोले हैं। तो जितने भी हाई प्रायोरिटी बग्स रहेंगे उसे फिक्स और क्लोज होने चाहिए। अगर हाई प्रायोरिटी बग्स फिक्स नहीं है तो हम लोग क्लोज नहीं है, फिक्स और क्लोज नहीं है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है। तो जितने भी हाई प्रायोरिटी बग्स रहेंगे उन्हें फिक्स होना चाहिए, और हमें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा उसके साथ रिलीज नोट दे के। तो रिलीज नोट में क्या होता है कि हम लोग क्या क्या रिलीज कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, क्या क्या है, और हमारे पास अगर छोटे से भी एरर रहेंगे तो वो छोटे से एरर भी हम लोग मेंटेन करेंगे। अगर एक्चुअल में रिलीज करते वक्त बताना है हमें कि इसमें क्या क्या, इस फीचर में या फिर इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या 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 था, हमने क्या क्या रिलीज करते वक्त क्या क्या हमने फीचर दिए हैं, और इसमें अगर छोटे से एरर रहेंगे तो वो छोटे से एरर भी मेंशन करके हमें रिलीज करना होगा ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग।